Hello guys, welcome to the Quint. Thank you. Yes. मैंने जब ट्रेलर देखा वो एक लास्ट सेंटेंस जो डायलॉग था पंकज सर का वो मुझे बहुत इफेक्ट किया क्योंकि इस साल मैं वो डायलॉग बोलती हूँ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. यू नो इन रियल लाइफ हमने देखा है कि लॉट ऑफ टाइम्स द अक्यूज्ड बिकम्स अ टारगेट टू मीडिया ट्रायल्स. People pass their verdict even before the judgment, and वो इस शो में दिख रहा है कि इस शो में उस लड़की के साथ वही हो रहा है. हमें पता नहीं, किसी को पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन लोगों ने सोच लिया है कि इसी ने किया है. आपको ऐसे situations के बारे में क्या कहना है? Because हमने recent past में ऐसे situations देखे हैं. किसी भी चीज का एक पहलू नहीं होता है. हम ये कहते कि कई बार की मीडिया ट्रायल ठीक नहीं है. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई घटना जो शायद दब जाती, मीडिया आके उस घटना को हाईलाइट किया, उभारा, तो उससे वो घटना बड़ी हुई और फिर जाके ट्रूथ सामने आया या जस्टिस मिला. तो ये दो पहलू हैं. हम सिर्फ मीडिया ट्रायल को खारिज नहीं कर सकते या उसको हम स्वीकार भी नहीं सकते. किसी भी मसले को जानने समझने के लिए बहुत विवेकपूर्ण होके, लॉजिकल होके, इत्मीनान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रुथ जो है सिर्फ वही नहीं है जो दिखता है. तो यस, बहुत ग्रे एरिया है और हमारा शो उसी की बात करता है. जब आप शो देखेंगे 24 को, आई थिंक इसलिए वो लाइन प्रोमो में डाला गया है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर वी सो क्विक टू जज अदर पीपल विदाउट नोइंग द ट्रुथ. एंड ये जो एक धारणा आजकल बनती जा रही ना कि हमें सब पता है, हम लोग किसी को कोई भी अपना ओपिनियन देने का या उनकी बात पूरी तरह सुनने का हम कोशिश नहीं कर रहे हैं. एक जो एक सेंसेशनलाइजेशन का एक ट्रेंड है हर चीज के इर्द-गिर्द, वो आई थिंक इज वेरी वेरी डेंजरस. पब्लिक ओपिनियन दें, डिस्कशंस करें, सब कुछ करें, बट एक उसमें भी एक सभ्यता होनी चाहिए. देयर हैज टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, आई थिंक द इंटेंशंस रियली मैटर देयर. कुछ सीनियर है, कुछ टीचर्स है जिनकी ओपिनियन को, राय को मैं मानता हूँ. सो उन सबने बहुत सराहा. तो मैं बोला यार ऐसा क्या किया हूँ, देखो तो दोबारा मैंने तो कुछ सीन्स देखे सीजन वन के. सो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. दरअसल माधव मिश्रा एक पावरलेस कैरेक्टर है ना, एक वैसा वकील है जिसको कोई पूछता नहीं है, वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है. सो मुझे मजा आता है ऐसे पावरलेस, ऐसे कॉमन मैन टाइप के लोगों कैरेक्टर करने में. बिकॉज़ आप लोग सीजन वन में थे एंड यहाँ पे वापस सीजन टू में, एंड इन बिटवीन आप दूसरे शोज में भी काम कर रहे थे विच वर एज इंटेंस. मैं एज एन एक्टर मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो, यू मूव ऑन, यू प्ले अदर कैरेक्टर्स, and then you have to come back again and play the same character, get into that mode again, wo kitna easy ya kitna difficult hota hai second time play karna same character coming back? Mushkil hota bhi hai, nahi bhi hota hai, kyunki ek halwai agar jalebi banata hai na ya laddu banata hai na moti chur ka, to wo 6 mahina laddu banana chhod de aur wapis aaye to bhi pakad hi lega, laddu ki recipe to pata hai usko. To kai baar bhool तो थोड़ा एक आध सीन देख लेते हैं या डायरेक्टर दिखा देते हैं. बाकी बेसिक तो आइडिया होता ही है और स्क्रिप्ट एक होती है हमें गाइडलाइन के लिए, उसमें लिखा होता है. और कैरेक्टर का मैनरिज्म, बिहेवियर अगर थोड़ा दिमाग से निकल गया तो हमें कोई याद दिला देता है, दिखा देते हैं, हो जाता है. मेरे लिए आई मीन ये पहली बार है तो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आई थिंक मोर देन एनीथिंग एज एन इंडिविजुअल आई फील अ लॉट ऑफ चेंज इन मी फ्रॉम 2018 टू नाउ. जैसे काफी गुत्थियां ऐड हो गई हैं, कुछ गुत्थियां सुलझ गई हैं पंकज सर की लैंग्वेज में. तो फिर उस कैरेक्टर को वापस निभाना जो अपनी लाइफ जर्नी में भी थोड़ा बदल चुका है, थोड़ा आगे बढ़ चुका है, वो काफी इंटरेस्टिंग था. हम लोग सबके लिए बहुत ही अजीब था ये साल. और ऑल्सो OTT प्लेटफॉर्म्स ने कमाल कर दिया है विद द नंबर ऑफ शोज. एंड पंकज जी आप तो छाए हुए हैं, आपकी तो बात ही अलग है. लेकिन आप मुझे बता सकते हैं, दोनों से पूछ रही हूँ ये, आपके फेवरेट शोज क्या रहे हैं? मैं तो कुछ देखा नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ कुछ, तो मैं शो और फिल्म के बारे में बता. ये कौन सी बात होगी, आप क्यों नहीं देखते हो? मुझे मजा नहीं, मतलब मन इच्छा नहीं होती है.
मैं टीवी और सिनेमा नहीं देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ, बहुत ही रेयर। मैं पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ लेता हूँ, और मैं खाना बना लेता हूँ, घूमने का शौकीन हूँ, देखना मुझे पसंद नहीं है। तो और देखता भी हूँ कुछ तो बहुत ही रीजनल सिनेमा, इंडिपेंडेंट स्पेस की फिल्में, तो मुझे जो बहुत पॉपुलर चीज है वो बहुत कम देखता हूँ, बहुत ही कम। तो अपना शोज भी नहीं देखते आप? जब बहुत तारीफ होने लगती है तब देखता हूँ कि ऐसा क्या है कि इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो चलो देखा जाए। मिर्जापुर में भी अपने सीन भगा भगा के देख लिया, तो नहीं अच्छी बात नहीं है, देखना चाहिए, कोई प्रशंसा की बात नहीं है। बट सचुअल मैं जेन्युइनली मेरे लिए 2-3 घंटे बैठना या कंप्यूटर या टीवी के सामने मुश्किल काम है। तो इंडियन स्पेस में से मेरा मेरी फेवरेट सुपर डिलक्स करके एक मूवी आई है जो मैंने अभी लॉकडाउन के वक्त देखी, वो मुझे बहुत काफी रीजनल सिनेमा देखा मैंने अगली बार। काफी पुरानी मूवीज वापस रिविजिट करी, यू नो 50s की, 60s की, ऋषिकेश मुखर्जी की मूवीज। देयर इज अ कांस्टेंट फियर ऑफ यू नो फियर ऑफ कंटेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म गेटिंग सेंसर्ड। हम इसके बारे में काफी दिनों से बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है। व्हाइल वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पे लैंग्वेज, बहुत वायलेंस, यू नो एक्सप्लिसिट कंटेंट देखे हैं, तो Who decides how much is too much and what according to both of you is too much? बहुत ही मतलब interesting सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि इसका answer देना बहुत मुश्किल काम है कि कौन करेगा कि how much is too much। यह सही है, अगर censor नहीं है तो हो सकता है कि कुछ लोग उस छूट का एक नजायज फायदा भी उठा लें, ये भी एक पहलू है। और same time कोई story teller बोलता है कि मुझे अपने हिसाब से कहानी कहनी है, मेरी कहानी ऐसे ही होगी, तो बट एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर होने के नाते या स्टोरी टेलर होने के नाते अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, तो एक सेल्फ सेंसर होता है कि हमें क्या दिखाना है, कितना दिखाना है और क्यों दिखाना है, कहानी के लिए कितना जरूरी है। जैसे मान लीजिए गालियों का इस्तेमाल, तो गालियों का इस्तेमाल कहानी के लिए कितना जरूरी है, क्या क्या उसके बगैर काम नहीं हो सकता। जैसे मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, बट यस क्या वो चीज जो हम दिखा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे समाज में वो नहीं है, वो कोई एलियन लैंग्वेज हम दिखा रहे हैं दूसरे ग्रह का, तो यस इस पे बातचीत होनी चाहिए, आसान मुद्दा ये भी नहीं है। पर्सनली अगर मेरा फर्स्ट रिएक्शन देखा जाए कि सेंसरशिप ऑफ यू नो ऑफ द वेब स्पेस, इट फ्राइटन्स मी, इट टेक्स मी इनटू अ स्पेस कि उस पे कंट्रोल ना हो जाए कि व्हाट इज द कंटेंट कमिंग आउट, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन माय आईज कि हम लोग एज इन इंडिया अब अलग अलग कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड जैसे अगर हम अलग वर्ल्ड देखेंगे तो जैसे पंकज सर ने कहा, उस वर्ल्ड की अपनी इनहेरेंट क्वालिटी होती है जो शायद दिखाना जरूरी हो जस्टिफाई करने के लिए, वो एक पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो व्हाइल मे बी सेंसरशिप माइट नॉट बी अ बैड आइडिया, माइट बी इट माइट बी रिक्वायर्ड, the intention with which you're approaching and whether you're as a team you know if it's progressive and if it's allowing for freedom of expression while keeping in mind ki ha this is right and this might be too much and you curb it a little, it should not restrict you, it should guide you, it should kind of you know give you a space to breathe while being a little bit precautious. Probably. Thank you for talking to us. Thank you, Abira. Lovely talking to you. Yeah, Abira.